हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो अपने क्लास 12th है उसका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आव्यूह। अब आव्यूह को समझेंगे आज कि आव्यूह क्या है, ये कैसी रचना होती है, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके क्या प्रकार होते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है बच्चों कि हम आव्यूह को बेसिक से समझेंगे और आज हम कहीं ना कहीं इसकी प्रश्नावली 3.1 जो है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी हम इंट्रोडक्शन को समझने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहली बात देखें कि हमने कहा आव्यूह, हमने कहा बेटा आव्यूह, अगर ये आव्यूह की बात किए तो ये आव्यूह है क्या, ये आव्यूह है क्या। अगर हम आव्यूह की बात कर रहे हैं, आव्यूह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, हम लोग इसमें मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात कर रहे होने वाले हैं, हम मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं, मैट्रिक्स की बात। ठीक है बच्चों, तो इस मैट्रिक्स को समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहली डेफिनेशन होनी चाहिए आपकी, आप किसकी, अदिश राशियां। सबसे पहले हमको पढ़नी है अदिश राशियां, अदिश राशियां। सर ये तो फिजिक्स पढ़ाने लग गए आप हमें। नहीं बेटा, ये आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप मैथ से ही पढ़ रहे हैं, बस आपको अदिश राशियों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब अदिश राशियां क्या होती है, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है इस बात को कि वे राशियां, अब अगर अदिश राशियों की बात करें बच्चों, तो अदिश राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो योग व्योकलन गुणा व विभाजन में किस नियम का पालन करें, बीजगणितीय नियम का पालन करें, बीजगणितीय नियम का पालन करें, नियम का पालन करें, पालन करें। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां आपको बताया ना कि वे भौतिक राशियां है ना, वे राशियां जो अगर हम कोई भी क्वेश्चन में अगर जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी कर रहे हैं तो बीजगणितीय नियम का पालन करनी चाहिए। वो सदिश योग नियम का पालन यानी सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करनी चाहिए, बीजगणितीय नियम का पालन करनी चाहिए। वे हमारे पास अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 है, 4 है, साइन थीटा है, मैंने कहा पाई है, लेमडा है, ये सब क्या है, अदिश राशियां है बेटा। ठीक है, जैसी ही अदिश राशियां होती है तो अदिश राशियों के बाद हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे पंक्ति। अब पंक्ति क्या होगी, पंक्ति क्या होगी यानी पंक्तियां, पंक्तियां क्या होगी। अगर पंक्तियों की डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो पंक्तियां क्या होती है आप लोगों के पास, हम क्या रख बोलेंगे कि अगर जो पंक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब जो क्षैतिज रेखा होगी, जो आपके पास कौन सी रेखा होगी बच्चा, क्षैतिज रेखा होगी, उस हम क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पंक्ति कहते हैं रो। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रो, मैक्सिमम जगह मैं रो बोलूंगा, ठीक है, इंग्लिश में। ठीक, अब ध्यान से देखिए बेटा, पंक्तियों के बाद आता है स्तंभ। क्या आता है बेटा, स्तंभ। अब स्तंभ की बात करते हैं तो स्तंभ क्या आता है, स्तंभ होता है आपके पास कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा को, रेखा को स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्तंभ कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। एक सेकेंड को हम स्तंभ कहेंगे, स्तंभ कहते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर आपको ऐसी लाइन मिले तो ये हमारी क्या है, पंक्ति है, और अगर ऐसी लाइन मिले तो क्या है बेटा, ये हमारा स्तंभ है। क्या है, हमारा स्तंभ है। ठीक है, अब यहां पर इतनी बात तो हमारे पास हो गई, समझ में आ गई। अब हम आगे आते हैं रचना।
अब हम क्या आते हैं रचना पे कि इसकी रचना क्या होती है। तो नेक्स्ट कंडीशन होती है रचना, अरेंज इसको बोलते हैं, ठीक है। रचना, रचना क्या होती है, यह एक, रचना की अगर बात करें बेटा तो कहता है यह एक आयताकार रचना होती है, रचना होती है जिसमें अवयवों को यानी एलिमेंट्स को व्यवस्थित रखा जाता है, ठीक है। ये रचना होती है, रचना का मतलब है कि अगर आप एक आयताकार रचना दे रहे हैं ऐसे जिसमें आप एलिमेंट जैसे ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, इनको आप व्यवस्थित रखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे रचना बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा रचना बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको रचना बोलेंगे। अब अगर रचना के बाद हम आगे बढ़े तो हम इसके निरूपण की बात करते हैं, इसके हम आव्यूह के निरूपण की बात करेंगे, तो अब आता है हमारा आव्यूह का कंसेप्ट, क्या आएगा बेटा आव्यूह। अब आव्यूह क्या होता है, तो आव्यूह की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि एक हमारे पास आयताकार संरचना होती है जिसे हम किसमें करेंगे कि रचना में आ गई इस बात, तो आव्यूह क्या होती है, एक आयताकार संरचना होती है जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को आप कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे कि यह एक आयताकार या वर्गाकार भी कह सकते हैं, वर्गाकार रचना है जिसे या तो हम छोटे कोष्टक या दोहरे दंड या फिर हम बड़े कोष्टक से लिखते हैं। दोहरे दंड इसलिए क्योंकि सिंगल दंड का यूज हम कहाँ करते हैं बेटा, आप लोगों को याद होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं सारणिक में हम सिंगल दंड का यूज करते हैं। तो हम अगर आव्यूह की बात करेंगे तो इसमें दोहरे दंड की बात करने वाले हैं बच्चों, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों, बढ़ जाए आगे, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं मेन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वह है हमारे पास आव्यूह की, कि हम M क्रॉस N है ना, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक M क्रॉस M आव्यूह को पढ़ने वाले हैं, क्या होता है तो हम पढ़ेंगे, यहां पर हेडिंग डाल देते हैं कि एक M क्रॉस N आव्यूह की परिभाषा, हम M क्रॉस N आव्यूह की परिभाषा की बात कर रहे हैं बच्चों, ये होती क्या है, ये क्या होगी, ध्यान से देखिएगा अगर हम इसकी बात करें तो क्या होने वाली है, तो क्या होगी भैया, ध्यान से देखो, एक M क्रॉस N आव्यूह की परिभाषा अगर मैं इसके जनरल रूप को लिख दूँ, है ना, जनरल रूप को लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, तो इसका जनरल रूप होता है कि अगर मान लिया जाए ए हमारे पास है, कोई आव्यूह है ए, तो उसका एलिमेंट होता है बेटा ए आई जे, और इसका ऑर्डर होता है एम क्रॉस एन, क्या होता है बेटा, इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। अब अगर इस बात को हम समझना चाहे तो क्या बात है, इसमें ए क्या है, आई यानी स्मॉल ए क्या है, आई क्या है, जे क्या है, एम क्या है और एन क्या है, उस बात को समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए क्या है, तो यह है आव्यूह है ना, हम आव्यूह को हम कैपिटल लेटर से, जो आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला है उसके कैपिटल लेटर ए टू जेड किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं, उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जहाँ अगर आई की बात करूँ तो आई क्या होगा, तो आई आपके पास हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 एंड
एंड सो ऑन एम। एंड अगर जे की बात करें बच्चों, तो जे इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एन हो जाता है। इस बात से का मतलब ये बता देता हूँ कि आई का मतलब पंक्ति से रिप्रेजेंट हो जाता है और जे का मतलब स्तंभों से रिप्रेजेंट हो जाता है। अभी आपको एक व्यापक रूप बताऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। अब इस बात को मैं एक अलग तरीके से बताना चाहूँगा कि अगर जो आई है, आई कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि ये अवयव किस पंक्ति का है। सिंपल सी बात समझना, आई ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अवयव जो दिया गया अवयव है वो किस पंक्ति का है, और जे ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अवयव किस स्तंभ का है। ठीक है, आई ये रिप्रेजेंट करता है कि अवयव किस स्तंभ किस पंक्ति का है, और ये जो आपके पास जे है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अवयव किस स्तंभ का है, और ये एम रिप्रेजेंट करता है बेटा पंक्तियों की संख्या, और एन रिप्रेजेंट करता है स्तंभों की संख्या। क्लियर है? जैसे कि व्यापक रूप देखते हैं इसका, व्यापक रूप देखे तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि व्यापक रूप अगर हम व्यापक रूप लिखे, तो मैंने कहा ए इज इक्वल टू चलिए इसका व्यापक रूप लिखते हैं, तो मैंने कहा A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। मैंने कहा A21, A22, A23 और सो ऑन A2n। ऐसे अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे आप आगे बढ़े अगर, तो यहाँ लिखेंगे ए, देखो वन टू थ्री बढ़ रहा था एन तक चला। ठीक है, अब मैं बढ़ा वन टू बढ़ते चल रहा है, तो मैंने कहा ये एम तक बढ़ेगा और ये वन है, ए एम तक बढ़ेगा और ये टू है, ये ए एम और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास थ्री हो जाएगा, और डेड एस और ये चला तो ए एम इंटू एन, और जिसका ऑर्डर होगा ये एम क्रॉस एन है। यानी एम क्रॉस एन क्या बेटा, यहाँ पर अगर एम क्रॉस एन की बात करें तो एम क्रॉस एन को हम क्या बोलते हैं, को हम बोलते हैं कोटी। क्या बोलते हैं इसको? कोटी। क्या बोलते हैं इसको? कोटी। कोटी अगर इंग्लिश की बात करें तो ऑर्डर बोलते हैं, कोटी या क्रम बोलेंगे बेटा, या क्या बोलेंगे हम इसको? क्रम बोलेंगे। कोटी या हमारे पास क्या है? क्रम है। अब कोटी या क्रम है का मतलब क्या है? ये एम क्रॉस एन बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एम क्रॉस एन यह बात बताता है, एम क्रॉस एन यह बात बताता है कि किसी अवयव में कितने आपके पास अवयव में कितने अवयव है। एम क्रॉस एन क्या बताता है? किसी अवयव में कितने अवयव है। अभी बात समझ में आएगी, ठीक है, इस बात को याद रखना। एम क्रॉस एन क्या बताता है? किसी अवयव में अवयवों की संख्या। ठीक है, है ना? ठीक है, ये हम क्या लिख सकते हैं? एम क्रॉस एन बताता है किसी अवयव में क्या हो जाएगा आपके पास? अवयवों की संख्या को बताता है बेटा, अवयवों की संख्या को बताता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इस बात को समझते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, देखो आई पहले है, तो आई देखो, अब इसको बोलते हैं पहली पंक्ति, ये आपके पास जो दिख रही है इसको बोलेंगे हम R1, row 1 पहली पंक्ति, इसको बोलेंगे बेटा R2। ठीक है, वैसे अब हम आगे बढ़े तो इसको बोलेंगे बेटा C1, ये C1 है आपका, ये C2 है, ये C3 है, और ये आपका CN है। वैसे ये आपके पास देखोगे तो ये आपके पास RM है। देखो इसका C1 का मतलब पंक्ति, कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम n, row 1, row 2 और ये row m। इसका मतलब क्या, ये अपने पास, ये देखो मैंने बोला था ना, आप इस बात को समझेंगे तो मैंने कहा तो आपको पंक्ति कैसी होती है, क्षैतिज, और स्तंभ कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर। तो देखो ये क्षैतिज जो दिख रही है आपको, ये क्षैतिज जो दिख रही है ये आपके पास पंक्ति है बेटा। और अगर आप बात करें ऐसी, तो ये जो ऊर्ध्वाधर दिख रहे हैं आपको, ये जो ऊर्ध्वाधर दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो ध्यान से देखो ना, ये स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ n, ये पंक्ति 1, पंक्ति 2 और ये m भी पंक्ति। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, A22 या हम A23 की बात करते हैं, A23 बताओ, A2 का मतलब ये I के प्लेस में 2 है और J के प्लेस में 3 है। अब बताओ कौन सी पंक्ति में, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। देखो दूसरी पंक्ति, I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस पंक्ति का अवयव है? मैंने बताया था आप लोगों को, ये जो I क्या बता रहा है, ये किस पंक्ति का अवयव है भैया, तो ये दूसरी पंक्ति का अवयव है। और J क्या बता रहा है, कौन से स्तंभ का अवयव है, तो भैया तीसरे स्तंभ का अवयव है। पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ और
तीसरा स्तंभ, मतलब आई रिप्रेजेंट करेगा पंक्तियों की संख्या और जे रिप्रेजेंट करेगा स्तंभों की संख्या। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की? अगर होगी तो बोल दीजिए, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। बड़े आगे हम लोग, चलिए बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आवयवों के प्रकार। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? आवयवों के प्रकार की बात करने वाले हैं कि आवयवों का क्या प्रकार होता है, आवयवों का क्या प्रकार होता है। चलिए अब हम ध्यान से देखिए, आवयवों के प्रकार की बात करें तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं आवयवों का प्रकार, है ना, आवयवों, आवयव, आवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बात करेंगे क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखिए इसका जो फर्स्ट होता है, पहला होता है बेटा, पहला अगर हम देखें तो हमने लिखा पंक्ति आवयव। कौन सा लिखा बेटा? पंक्ति आवयव, पंक्ति आवयव। अब ये सर पंक्ति आवयव क्या होता है? तो भाई ध्यान से देखिए, मैं इसकी ज़्यादा लंबी और भारी भरकम डेफिनेशंस वगैरह के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ। मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, वेयर यानी जहाँ, पंक्ति को कौन रिप्रेजेंट करता है? एम। जहाँ पंक्ति को कौन रिप्रेजेंट करता है? एम। जहाँ मैं कह सकता हूँ कि एम इज इक्वल टू वन हो, वो क्या है? पंक्ति अभी है। जहाँ एम इज इक्वल टू वन हो, वो एन तो कुछ भी हो सकता है, एन से कोई फर्क पड़ने वाला हमारे पास नहीं है, या हम कह सकते हैं कि एम इज लेस देन एन, ठीक है, एम इज लेस देन एन, ये बात कह सकते हैं, यानी कि एन हमेशा बड़ा हो एम से, तब क्या बात हो जाएगी? तब एक आवयव बताएंगे, तो ए को अगर मैंने लिखा तो मैंने कहा ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। तो देख लो इस एम, देखो यह क्या होता है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का रहता है कि नहीं? तो देखो m की वैल्यू 1, कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति। स्तंभ कितने? एक, दो और ये तीन, तो ये तीन स्तंभ हो गए, तो ये आपके तीन स्तंभ हो गए। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, बढ़ जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अगर मैं सेकंड की बात करूँ कि दूसरा स्तंभ आवयव, अब क्या बात करेंगे बेटा हम? स्तंभ, आवयव। अगर हम स्तंभ आवयव की बात कर रहे हैं तो स्तंभ आवयव क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे, जहां पर अब n इज इक्वल टू वन होगा, वह हम ये बात कह सकते हैं कि m इज ग्रेटर देन n, तब क्या होने वाला है बच्चों? तब अगर मैं a की बात करूंगा तो a कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, 2 और 3। अब ध्यान से देखो पंक्ति कितनी है? एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति, है। स्तंभ कितने? एक, केवल एक स्तंभ है। तो ध्यान से देखो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्तंभ आवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ आवयव बोलते हैं। और मैंने बोला था m क्रॉस n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। दिस मीन्स क्या बात हो जाएगी कि हम किसी भी आवयव की बात करें तो उसमें कितने अवयव है? तो भाई कितने? एक, दो, तीन। देखो तीन एकम तीन, तीन एकम तीन। दिख रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ जाए आगे, अब हम आते हैं वर्ग आवयव, या हम अब थर्ड कंडीशन आ जाते हैं शून्य आवयव। क्या आ गया? शून्य आवयव। अब शून्य आवयव की बात करें तो शून्य आवयव क्या होता है? तो शून्य आवयव की हम बात करें तो ऐसा आवयव बेटा, ऐसा आवयव जिसमें क्या हो? प्रत्येक अवयव जीरो हो, है ना, जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो मैंने कहा 0, 0, 0, 0। देखो अगर ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, मतलब दो पंक्ति और दो स्तंभ अगर है, ये मतलब 2 क्रॉस 2, तो देखो सभी अवयव इसमें 0 है, हम इसको क्या बोलेंगे? शून्य अवयव बोलेंगे। शून्य अवयव अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का देखेंगे तो 0, 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
आयत अगर लिख दूँ तो 0 0 0 0 0 0, मतलब ये 2 x 3 है बेटा। देखो 2 रो और ये 3 कॉलम्स, तो ये भी आपके पास शून्य मैट्रिक्स होता है ना, ये आपके पास 0 मैट्रिक्स होगा, शून्य अवयव होगा।
कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्षैतिज अभ्यूह क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्षैतिज अभ्यूह क्या होगा, क्षैतिज अभ्यूह क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम क्षैतिज अभ्यूह के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये क्षैतिज अभ्यूह क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो मैंने कहा बेटा क्षैतिज अभ्यूह ना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्षैतिज अभ्यूह, क्षैतिज अभ्यूह। क्षैतिज अभ्यूह क्या होता है, तो हमने कहा एक ऐसा अभ्यूह ले लीजिए आप जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। मतलब हम लिख सकते हैं कि जहाँ m is less than n हो, उसको हम क्षैतिज अभ्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो ध्यान से देखो, मेरे का 1, 2, 3, 4, 5 and -1। अब बताओ कि इसमें कितनी पंक्ति है, दो पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं, तीन। तो क्या ये क्षैतिज जैसे दिख रहा है, क्षैतिज, या इसको हम आयताकार भी तो कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्षैतिज अभ्यूह हो गया, क्षैतिज अभ्यूह हो गया। और क्या ये आयताकार भी तो दिख रहा है, तो ये आयत के जैसे दिख रहा है। मतलब इस क्षैतिज अभ्यूह को हम दूसरा नाम दे सकते हैं बेटा, आयताकार अभ्यूह। कौन सा भी दे सकते हैं, आयताकार अभ्यूह। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर बात करें ऊर्ध्वाधर अभ्यूह, ऊर्ध्वाधर अभ्यूह। अब ऊर्ध्वाधर अभ्यूह की बात करें तो ऊर्ध्वाधर अभ्यूह क्या होगा प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वाधर अभ्यूह की बात करें तो आपको यहाँ समझ में आ जानी चाहिए कि जहाँ पर m इज ग्रेटर देन n हो, जहाँ पर m इज ग्रेटर देन n हो, इसका मतलब a बराबर भाई 1, 2, 0, -1, 5 और -3। भाई देखो ये ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा दिख रहा है, ऐसे ऊर्ध्वाधर मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है ना, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक कॉलम और दो कॉलम, तो इसको हम ऊर्ध्वाधर अभ्यूह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, हम ऊर्ध्वाधर अभ्यूह कहते हैं। चलिए बड़े नेक्सिस में चल, अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमने कहा कि अब आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बेटा वर्ग अभ्यूह। कौन सा अभ्यूह की बात कर रहे हैं हम, वर्ग अभ्यूह। एक सेकेंड, चलिए है ना, अब हम बात करेंगे वर्ग अभ्यूह, वर्ग अभ्यूह। अब वर्ग अभ्यूह की बात करते हैं तो ये वर्ग अभ्यूह क्या होगा, तो वर्ग अभ्यूह एक ऐसा अभ्यूह होता है बेटा जिसमें क्या होता है कि जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होने चाहिए, जिसमें जितनी पंक्ति होगी उतने, देखो मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं मैथमेटिकल इंडक्शन से बता दे रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ और सॉर्ट, ठीक है। जहाँ नंबर आप यानी कि आपके पास रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, यानी कि जहाँ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आप बराबर हो, वो वर्ग अभ्यूह होता है। तो अगर एग्जाम्पल देखे तो मैंने कहा 1, 2, 0 और -1, भाई इसमें दो पंक्ति है, दो स्तंभ है, क्या वर्ग अभ्यूह दिख रहा है, वर्ग जैसी संरचना दिख रही है, तो इसको हम वर्ग अभ्यूह बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, वर्ग अभ्यूह बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, वर्ग अभ्यूह बोलेंगे। ध्यान से देखिए अगर हम बात करें अब मुख्य विकर्ण की, अब हम किसकी बात करेंगे, मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण की बात करते हैं तो मुख्य विकर्ण होता क्या है, आपको सबसे पहली बात ये समझनी है। अगर मुख्य विकर्णों को समझना है तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर मैंने कहा ए है आपके पास और कोई एक मैट्रिक्स दे दिया, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये आई, तब मुख्य विकर्ण आपको देखना है तो मुख्य विकर्ण वाली संरचना हो जाएगी बेटा ये है ना, ये आपके पास क्या है, मुख्य विकर्ण वाली संरचना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके पास मुख्य विकर्ण है, ठीक। इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, क्या बोलेंगे इसे, हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ये बेहतरीन विकर्ण है हमारा, मुख्य विकर्ण है, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल, एक्चुअल में प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है ना। और इसको हम अगर ऐसा ले लेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल, मतलब द्वितीयक विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण और ये सेकेंडरी है ना, द्वितीयक विकर्ण बोलते हैं।
तो मुख्य विकर्ण याद रहेगा, ये मुख्य विकर्ण होने वाला है अपना, ठीक है। ऐसे चलेंगे आप लेफ्ट के ऊपर वाले कॉर्नर से राइट के नीचे वाले कॉर्नर में, क्लियर है। चलो बड़े आगे हम लोग, चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम मुख्य विकर्ण पढ़ चुके हैं, तो अब विकर्ण अभ्यू की बात करते हैं। अब क्या पढ़ लेंगे हम, विकर्ण अभ्यू, विकर्ण अभ्यू। विकर्ण अभ्यू क्या होता है बच्चों? तो विकर्ण अभ्यू एक ऐसा अभ्यू होता है, विकर्ण अभ्यू एक ऐसा अभ्यू होता है जिसमें जिसमें अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना कि विकर्ण अभ्यू एक ऐसा अभ्यू होगा जहां पर, जहां अगर बात कर लिया जाए तो ए आई जे, ए आई जे है ना, अगर ए आई जे की बात कर रहे हैं, ए आई जे अगर मैंने बात करा आई बराबर नहीं है जे के, या हम इस बात को कुछ ऐसे लिख रहे हैं जहां आई बराबर नहीं है जे के, तो हम कह सकते हैं ए जो आई जे है वो बराबर नहीं हो, बराबर हो जाएगा जीरो के। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जहां आई बराबर नहीं है जे के, मतलब जहां वन वन यानी कि वन वन टू टू थ्री थ्री, एक्चुअली में वन वन है, ये टू टू है, ये ए थ्री थ्री है, तो ध्यान से देखो ना, जहां पर ए वन वन टू टू थ्री थ्री है वहां तो कुछ और होगा, लेकिन ये आई जे वहां जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ए बराबर, पहली बात, अब जितने भी अभ्यू पढ़ेंगे वो सब क्या होने चाहिए, वर्ग अभ्यू होना चाहिए। मुख्य विकर्ण क्या है, यानी विकर्ण अभ्यू क्या होगा, एक वर्ग अभ्यू होगा बेटा, पहली बात, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे एक जीरो 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 चार जीरो 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 रिंदो, तो ध्यान से देखो जितने भी ए आई जे, जहाँ ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री में देखोगे तो जीरो नहीं है, बाकी सब जगह क्या है, जीरो है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको ही हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण या विकर्ण अभ्यू बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अभ्यू बोलते हैं, विकर्ण अभ्यू बोलेंगे, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं विकर्ण अभ्यू के बाद हम बढ़ेंगे अदिश अभ्यू। अब कौन से अभ्यू बढ़ेंगे बेटा, अदिश अभ्यू, तो देख लेते हैं अदिश अभ्यू क्या होता है। अदिश अभ्यू, अब अदिश अभ्यू की बात करेंगे तो ऐसा अभ्यू बेटा, ये तो एक्चुअल में विकर्ण अभ्यू ही है। ये कौन सा अभ्यू है, विकर्ण ही अभ्यू है, लेकिन इस विकर्ण अभ्यू में जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा दो है, जीरो 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 दो जीरो 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 दो, यानी देखो ये मुख्य विकर्ण ही अभ्यू है, विकर्ण ही अभ्यू है, बस विकर्ण अभ्यू में ये एलिमेंट जो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट थे, अवयव थे, वो बराबर नहीं थे, लेकिन अदिश अभ्यू में क्या हो जाते हैं, ये बराबर हो जाते हैं, तो ये अदिश अभ्यू कहलाता है, ये अदिश अभ्यू कहलाता है। अब हम इकाई अभ्यू या तत्समक अगर अभ्यू की बात करें तो क्या होता है, अब हम बात करते हैं बेटा इकाई अभ्यू, इकाई अभ्यू, अब इकाई अभ्यू की बात करते हैं, इसको हम तत्समक, तत्समक अभ्यू भी कहते हैं, अभ्यू भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, तो बेटा इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना, इकाई अभ्यू या तत्समक अभ्यू हमेशा बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी, ये होता है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये होता है बेटा, है ना। ये देखो यहाँ पर देखेंगे तो थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का है, ये भी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का है, ये भी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का है, मतलब ऑर्डर, अब देखो ये क्या सब वर्ग अभ्यू होने वाले, ये भी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का है, बात समझ में आ रही है, मतलब कि इकाई अभ्यू में मतलब एक एक आ जाना चाहिए, अदिश अभ्यू ही होता है एक प्रकार से, लेकिन बस यहाँ पर एक 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 हमेशा मिलेंगे। अगर ये टू क्रॉस टू का होता तो वन जीरो जीरो वन, मतलब ये टू क्रॉस टू ऑर्डर में मिल जाता, क्लियर है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होने चाहिए। और अभ्यू के प्रकार है, और है अभ्यू के प्रकार, पर ये इन अभ्यू के प्रकार को हमको समझना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए ये अभ्यू के प्रकार। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, आगे बढ़े नेक्स्ट कंडीशन को देखें। इतनी सारी बातों को समझने के बाद अब एक बात समझाना चाहूँगा मैं आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, या एक कंडीशन और समझ लेते हैं, एक कंडीशन और समझते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एग्जाम्पल्स में। एक कंडीशन हम समझते हैं, मैं लिख रहा हूँ अभ्यूहों की समानता, मैं लिख रहा हूँ अभ्यूहों की समानता, सो अभ्यूहों की समानता को देख लेते हैं हम, समानता। अब ये अभ्यूहों की समानता है क्या, अभ्यूहों की समानता क्या है, तो अभ्यूहों की अगर समानता की बात करें बेटा, तो पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि दो अभ्यूह
दो आव्यूह समान होंगे यदि, और केवल यदि, यदि यदि दो आव्यूह समान होंगे, दो आव्यूह समान होंगे, दो आव्यूह समान होंगे यदि पहली कंडीशन कि दोनों का क्रम कैसा हो, समान हो, दोनों की कोटि समान हो। पहली बात, दोनों का अगर क्रम समान है तो हम समानता की ओर चल सकते हैं, अगर क्रम ही समान नहीं है तो हम उसके समानता की बात नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। दूसरा दूसरा दोनों एक सेकेंड दोनों आव्यूह वो के संगत अवयव बराबर हो। ये दो बात, अगर ये दोनों बातों को सेटिस्फाई करता है कोई मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमारे समान आव्यूह हो जाएंगे, अन्यथा वो समान आव्यूह नहीं होते। एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं तो ये एग्जाम्पल है। कहता है कि अगर मान लिया जाए ए बराबर, मैंने कहा ए बी सी और डी है, बी बराबर मैंने कहा 1 2 ऋण 1 5 है। भाई दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब ध्यान से देखो, अब मैं 2 क्रॉस 2 तो ले लिया हम लोगों ने, अब 2 क्रॉस 2 लिए तो मैं कहूंगा कि ए ए आव्यूह ए बराबर बी होगा, कब होगा? तब बोलेंगे तब ए बराबर बी होगा यदि, क्या कंडीशन हो? तो पहली तो बात क्रम समान हो गए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि ए बराबर 1 हो, बी बराबर 2 हो, सी बराबर ऋण 1 हो और डी बराबर 5 हो। मतलब ए बराबर होना चाहिए 1 के, 2 बराबर हो, बी बराबर होना चाहिए 2 के, सी बराबर होना चाहिए ऋण 1 के और डी बराबर होना चाहिए 5 के। तो दोनों आव्यूह हमारे क्या हो जाएंगे? समान होंगे, अन्यथा ये समान नहीं हो सकते हैं बेटा, अन्यथा ये समान नहीं हो सकते। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़े इजी इजी तरीके के क्वेश्चन है। अभी हम योग व्यवकलन, है ना, योग व्यवकलन यानी जोड़ना घटाना गुणा और अन्य इसके भी चीजें नहीं देखने वाले हैं, इसको हम बात करेंगे बेटा बाद में। इसकी हम बात कहाँ करेंगे? बाद में करेंगे। अब हम यहाँ पढ़ते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स की ओर, क्योंकि अब इसमें कोई टॉपिक नहीं रहा, ठीक है। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो एग्जाम्पल पर थोड़ा फोकस करेंगे, क्या है इसके एग्जाम्पल्स, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, चलिए आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। कहता है आपके पास 3 फैक्ट्रियों 1, 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। हमें सूचना पर विचार करना है। पहली फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 30 है और महिला कर्मी 25 है। दूसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 25 है बेटा और महिला कर्मी 31 है। तीसरी फैक्ट्री में 27 है पुरुष और जो महिला है बेटा वो 26 है। तो उपयुक्त संरचना को 3 क्रॉस 2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियाँ क्या प्रकट करती है? तीसरी पंक्ति ये हमारे पास हो गई और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियाँ क्या प्रकट करती है, हमें ये भी बताना है। तो अगर मैं 2 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, अगर क्रम का, अगर यहाँ पर आव्यूह लिखूँ तो कुछ ऐसे होगा। अगर मैं इसको आव्यूह के टर्म में लिखूँ तो आव्यूह ध्यान से देखो, पहली अगर मैं कॉलम में बात करूँ तो पुरुषों को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 27। और अगर इधर बात करें तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 26।
इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास ये 3x2 ऑर्डर का हो गया, 1, 2, 3 पंक्ति, एक कॉलम दो कॉलम। यानी पहले कॉलम में हमने केवल और केवल पुरुष कर्मी लिखा, दूसरे कॉलम में हमने केवल और केवल महिला कर्मी लिखा। अगर पहली रो की बात करें तो पहले फैक्ट्री में पुरुष और महिला को लिखा, फिर दूसरे में दूसरी फैक्ट्री के लिए, और तीसरे में तीसरी फैक्ट्री के लिए लिखा। अब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियाँ क्या प्रकट करती है भाई? प्रविष्टिया का मतलब है अवयव, है ना? प्रविष्टिया का मतलब क्या? अवयव। अब तीसरी पंक्ति क्या बता रही है भैया? तीसरे फैक्ट्री में कितने पुरुष और कितनी महिला है। और दूसरे स्तंभ में क्या बता रहा है भाई? कि दूसरे स्तंभ की अगर बात करूँ तो इसमें पूछ बता रहा है कि पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री और तीसरी फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या को बता रहा है। क्लियर बात है। आगे बढ़ू। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, इसको समझते हैं। कहता है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव प्रविष्टियाँ क्या हो सकती है? यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, यानी एक मान लिया जाए कि हमारे पास m क्रॉस n, देखो ध्यान से, a बराबर अगर मैंने कहा था आपके पास a i j है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, जिसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। तो मैंने कहा था 8 अवयव है, मतलब m क्रॉस n बराबर कितना है? 8 है। यही बात हो गई कि नहीं? m क्रॉस n बराबर 8 है। तो हमें संभव प्रविष्टियाँ, संभव प्रविष्टियाँ का मतलब इसको किस किस ऑर्डर में लिख सकते हैं, किस किस क्रम में लिख सकते हैं जिसमें 8 ही एलिमेंट हो। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं 8 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 8 बराबर अगर m के जगह 1 लिखूँ तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। यानी कि अगर एक पंक्ति और 8 स्तंभ हो सकते हैं। दूसरी बात, क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ, 8 स्तंभ, यानी मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते चलता हूँ तो मैंने बोला 2 × 8 भी 2 × 4 भी तो लिख सकता हूँ। 2 × 8 हो गया, यानी 2 पंक्ति और 4 स्तंभ। क्या मैं 8 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4 × 2, है ना, कि 4 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ। क्या मैं 8 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 8 × 1, मतलब 8 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ। क्लियर बात हो जाएगी? मतलब इतनी क्या बोलता है, तो कितनी संभव क्या बोलता है कोटियाँ क्या हो सकती है इसकी, संभव कोटियाँ क्या हो सकती है? तो इसकी संभव कोटियाँ आपके सामने दिख रही है, 1 × 8, 2 × 4, 1 × 2, 4 × 2 और 8 × 1। तो हम लिख सकते हैं किसी अवयव में अगर 8 अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ ये दी गई है। ठीक है बच्चों, आप इन्हें लिख सकते हैं। बढ़े आगे, चलो उदाहरण नंबर 3। अब उदाहरण नंबर 3 की बात करें बच्चों, तो कहता है एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव आपके पास गिवन है द्वारा प्रदत्त है। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करें, इसके अगर हल की बात करें, तो पहले तो हम मान लेते हैं कि माना अवयव, क्योंकि हम अवयव मानेंगे तभी बता पाएंगे। अवयव मैंने कहा a बराबर कितना होना चाहिए आपके पास, 3x2, मतलब a11, a12, a21, a22, a31, a32। क्या यही होना चाहिए? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति और एक स्तंभ, दो स्तंभ। बात समझ में आ गई? क्या यही बात होनी चाहिए थी? यही बात होनी चाहिए थी। आगे बढ़े, चलो ठीक। अब आपके पास दिया है अवयव, दिया है क्या? दिया है बेटा अवयव, दिया है a i j बराबर 1/2 मॉडलस i माइनस 3j और ये मॉड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को ये अवयव चाहिए तभी मैं अवयव निकाल सकता हूँ, मतलब a11 चाहिए, a12 चाहिए, a21, a22, a31 और a32 चाहिए बेटा। तो मैंने कहा a11 चाहिए मुझे, a11 चाहिए मुझे, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि मैं i के जगह में 1 लिखा, j के जगह में 1 लिखा, मतलब इस i के जगह में मुझे 1 लिखना चाहिए और ये माइनस 3 के जगह में 3 और ये j के जगह में ये 1 लिखना चाहिए। मैं पहला है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, आगे शॉर्ट लिखेंगे सीधे। कितना हो जाएगा देखो, 1, 3 × 3, सो 1 − 3 − 2 − 2 का मॉड 2 और ये 1/2 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, सीधे 1 होने वाला है बच्चों। क्लियर है बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब 12th में हो बेटा, इतना समझ में आना चाहिए। अब a12 निकालते हैं सेकेंड एलिमेंट, तो भैया 1/2 का 1/2, i के प्लेस में 1 माइनस 3 के जगह में 3 गुना कितना, j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू 2 है, तो 2 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 − 1 कितना हो जाएगा 5, 5/2।
फाइव अपॉन टू। ठीक है, अगर आप ए टू वन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वन अपॉन टू इन टू हो जाएगा टू, आई के जगह में टू, देखो टू है, माइनस थ्री के जगह में थ्री इन टू वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीन एकम तीन, दो में से तीन में से दो गया एक, मतलब एक बटे दो ही रहेगा। अगर हम ए टू टू निकाले तो ए टू टू निकाले तो वन बाई टू, ये हो गया टू माइनस थ्री इन टू टू। बेटा मैं आई और जे की जगह पे ही रख रहा हूँ बस, है ना। ठीक, तो तीन दूनी छः, छः में से दो गया चार, चार बटे दो मतलब दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो क्या बात हो जाएगी, क्या बात हो जाएगी, आगे देखो। तो मैं अगर a31 देखूँ तो a31 क्या होगा, a31 is equal to 1 upon 2 और ये हो जाएगा आपके पास i के जगह में 3 माइनस और ये 3 और into 1। ठीक है, is equal to, तो भाई कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो मैंने कहा तीन में से तीन कम तीन, तीन में से तीन गया तो 0, 0 बटे 2, 2 शून्य शून्य। ठीक है, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा a32 चेक करेंगे, a32 1 upon 2 होगा और ये जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, 2 जा 6, 6 माइनस 3 3, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। तो आपके पास a1 a11 a12 a21 a22 a31 a32 मिल गया। तब अगर हम a देखें, तब अगर हम a देखें तो a होगा क्या, a होगा क्या, तो भाई a हो जाएगा ना, a11 की जगह पहले रखो 1 है, a12 की जगह 5 बाई 2 है, A21 के जगह 1 बाई 2 है, A22 के जगह 2 है और इसके जगह 0 है और इसके जगह 3 बाई 2 है। क्लियर है, तो क्या 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई आप लोगों को। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो उदाहरण नंबर 4 देखिए बेटा। तो कहता है यदि आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हैं तो ए बी सी एक्स वाई जेड के मान निकालना है। अब मैं ये मैट्रिक्स, ये इतनी बड़ी मैट्रिक्स यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ इसे तुलना करके बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। तो इनके अगर मान निकालना है बेटा तो क्या मैं यहाँ पर समान आव्यूह की परिभाषा लगा दूँ, समान आव्यूह की परिभाषा, परिभाषा से। अगर आप समान आव्यूह की परिभाषा लगाते हैं तो भैया समान आव्यूह की परिभाषा मतलब जिसका ऑर्डर समान होता है, देखो एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, ये तीन क्रॉस तीन है, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, तो भैया ये भी थ्री क्रॉस थ्री है। ठीक है, तो ध्यान से देखो भैया इनकी पंक्ति क्या हो गया, पंक्तियों की संख्या समान, स्तंभों की संख्या समान, मतलब ऑर्डर सेम है, इसके क्रम सेम है। तो भैया दोनों अवयव बराबर भी, देखो बराबर भी दिया, बराबर होंगे कब बराबर होंगे, तो भैया इनके संगत अवयव कैसे हो, समान हो, मतलब x प्लस थ्री बराबर कितना हो, जीरो। भाई x प्लस थ्री संगत अवयव, इसका संगत ये बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले तो x बराबर माइनस थ्री, तो हमारे पास इस x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी, इस x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी। अब हम निकलेते जेड प्लस फोर, तो जेड प्लस फोर इज इक्वल टू कितना भाई, सिक्स है, तो कितना हो जाएगा जेड इज इक्वल टू भाई फोर को ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, सिक्स माइनस फोर तो कितना आ जाएगा टू, ये हमारे पास कितना हो गया टू हो गया बेटा, कितना हो गया टू हो गया। अब हम वाई निकालना चाहते हैं तो वाई कहाँ है हमारे पास, चलो वाई यहाँ है, कितना है भाई टू वाई माइनस सेवन बराबर, बराबर किसके होगा थ्री वाई, थ्री वाई माइनस टू। तो ध्यान से देखो मैं 3y को इसी प्लेस में रखता हूँ, 2y को ट्रांसफर और ये इसको ट्रांसफर करेंगे, हो जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल टू, यह जाएगा 2 ट्रांसफर होगा तो माइनस 7 और ये हो जाएगा प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5। तो ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू माइनस 5 हमारे पास यहाँ आ चुका है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या निकालना है, देखो x y z तीनों निकल गए, अब a निकालना है भाई, a यहाँ दिख रहा है हमारे पास। ठीक है, a माइनस वन इसके संगत कौन सा है, माइनस थ्री बराबर माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस टू, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा माइनस टू हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस टू क्यों होगा, क्यों होगा, देखो ना अगर माइनस वन को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस वन माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू। ठीक है, अब b निकालना है या c निकालना है, तो c यहाँ पर दिख रहा है हमको सबसे पहले, मतलब जीरो के बराबर क्या दिखा,
टू सी प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, टू सी प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं सी निकालूँ बेटा तो ये देखो प्लस टू को ट्रांसफर करूँगा माइनस टू और टू से डिवाइड करूँगा तो माइनस वन, तो सी की वैल्यू कितनी होने वाली है आपके पास माइनस वन होने वाली है। अगर आप ऐसे ही बी की अगर वैल्यू निकाले तो हो जाएगा बी माइनस थ्री इज इक्वल टू टू बी प्लस फोर। अब इसका ट्रांसफर इधर, इसका ट्रांसफर इधर करो तो जाएगा टू बी माइनस बी, टू बी माइनस बी इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो माइनस थ्री और ये माइनस फोर। तो आपके पास ध्यान से देखिए, अगर आप वैल्यू अब आगे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टू बी माइनस बी, बी बी बराबर माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन, मतलब आपके पास बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए माइनस सेवन आनी चाहिए। बस खत्म, आपने इन सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, इजी क्वेश्चन है बेटा। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर फाइव। अब क्या पढ़ रहे हैं एग्जांपल नंबर फाइव पे, तो एग्जांपल नंबर फाइव क्या है कहता है ए बराबर, यानी यदि इस मैट्रिक्स इक्वल ए मैट्रिक्स दिया है तो ए बी सी डी का मान हमको ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना इनके मान तो क्या बात हो जाएगी बेटा, वही वाली बात समानावयवी की परिभाषा से क्या हो जाएगी, समान आवयू की परिभाषा से। अब समान आवयू की परिभाषा पे चलेंगे आप लोग तो ध्यान से देखो, संगत अवयव से संगत अवयव बराबर होते हैं, मतलब 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। और यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, यहाँ देखेंगे तो जाएगा 5c, या हम इस बात को थोड़ी देर बाद लिखेंगे, पहले दो को सॉल्व कर ले या हम इसको यहाँ पर एरो बना करके दे देते हैं, ठीक है चलो आपको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और सेकंड कंडीशन ये जो आपके पास है 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, और ये हो जाएगा 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। चलो आपको यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको विलोपन विधि से बना ले क्या, विलोपन विधि से बना लेते हैं। तो मैंने बोला समीकरण नंबर दो से, चलो सॉल्व करेंगे क्या, तो जाएगा a बराबर कितना होने वाला है अगर माइनस टू बी को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस टू बी माइनस थ्री, तो हमको इक्वेशन नंबर थ्री मिल गया। इस समीकरण तीन का मान समीकरण एक में रखेंगे तो अब समीकरण नंबर कहाँ रखने वाले हैं हम, एक में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a की वैल्यू 2b माइनस 3 और ये प्लस b इज इक्वल टू 4, ठीक है। दो दूनी 4b, अरे आता है कक्षा 10 में पढ़े हैं ऋण, तीन दूनी 6 धन ये b बराबर 4, देखो 4b धन b 5b बराबर 6 को ट्रांसफर करेंगे तो 10, 6 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, 6 धन 6 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 से 6 को काटे तो ये 10 को काटेंगे तो b बराबर कितना होगा 2, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। अब b की वैल्यू 2 आ गई, इस b के मान को कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में रखो, 3 में रखो तो क्या बात हो जाएगी भाई, तो बात हो जाएगी a बराबर 2 इंटू 2 माइनस 3, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 ऋण 3 1 हो जाएगा, तो मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। पुट करके देखते हैं सीआर है क्या, देखो ए की वैल्यू रखेंगे तो 2 एकम 2 और ये रखेंगे 2, 2 2 और 4 3 बराबर है। चलो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 तक दे दिए थे, इसको हम दे देते हैं 4, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5। अब यहाँ पर भाई विलोपन विधि लगाएंगे, सॉरी प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, विलोपन लगाएंगे प्रतिस्थापन, समीकरण नंबर 4 से अगर मैं इस d की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो d को मैंने करा ट्रांसफर तो ये हो जाएगा 5c और ये हो जाएगा माइनस 11, इसका ट्रांसफर इधर, इसका ट्रांसफर इधर, d की वैल्यू मिल गई, इसको दिए समीकरण नंबर 6। अभी समीकरण 6 की वैल्यू समीकरण 5 में रखेंगे, समीकरण नंबर 5 में ऐसे रखते हैं तो जाएगा 4c प्लस 3 और d की वैल्यू 5c माइनस 11 माइनस 11 और ये जाएगा इज इक्वल टू 24। सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4c धन 5 दिया 15c और जाएगा ऋण 35 बराबर 24, 15 और 4 19c, 19c बराबर अगर देखे ट्रांसफर करेंगे 33 को
तो प्लस 33 हो जाएगा, और पहले प्लस 33 थी 19 है ना, प्लस 33 हो जाएगा, तो प्लस 33 इधर करेंगे तो 3 और 4 7 और 2 और 5 57 है ना। तो अब सी बराबर तो कितना होगा, 19 दिया 57, तो कितने बार कट जाएगा भाई ये, 19 दिया 57 तो कितना हो जाएगा, 3 बार कट गया। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस सी की वैल्यू को आगे रखेंगे हम समीकरण नंबर 6 में, तो समीकरण नंबर 6 में क्या बात होगी बेटा, तो जाएगा d बराबर 5 और c की वैल्यू 3 और ये माइनस 11, तो जाएगा 5 या 15, 15 में से 11 गया तो 4, तो ये d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। क्लियर है, तो a b c d सबकी वैल्यू निकल गई। चलो वैल्यू सही गिन देख लेते हैं, c 3 अगर रख दिया तो 3 5 15 और ये 4 घटा दिया, 15 में से 4 गया तो 11, ठीक है वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आप लोग कमेंट करेंगे। तो चलिए बेटा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।